हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान की इस जॉब के लिए रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप राजस्थान की किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसका सेम प्रोसेस है। तो अगर आप किसी और रिक्रूटमेंट के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले SSO ID बनानी पड़ती है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जो कि अलग पोर्टल पे होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको टीचिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है जिसके लिए 83 वैकेंसीज लिख ली हैं, इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी कैटेगरी वाइज, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसके लिए मैं आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ, जहाँ से पहले मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप ब्राउजर पे सर्च करेंगे RPSC और आपके सामने सबसे पहला URL आएगा rpsc.rajasthan.gov.in। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये पॉपअप आएगा, आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, जिसके बाद फिर ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए स्क्रीन खुलेगी, जितने भी रिक्रूटमेंट चल रहे होते हैं सबके एडवर्टाइजमेंट आप यहीं से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट हेडमास्टर परीक्षा स्कूल संस्कृत एजुकेशन 2021, आपको ये एडवर्टीजमेंट को पढ़ना है, जिसके लिए लास्ट में लिंक का ऑप्शन है, ये डाउनलोड का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नए टैब पे ओपन हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा एलिजिबिलिटी एडवर्टीजमेंट 5 पेज का है, इसमें मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट जो है वो बताऊँगा, उसके बाद ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है ये मैं दिखाऊँगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप इसको पूरा ऑनलाइन खुद से एक बार पढ़ेंगे, हो सकता है मुझसे कोई चीज़ मिस हो जाए या कोई चीज़ मैं गलत पढ़ लूँ, इस वजह से आप इसको एक बार खुद से ऑनलाइन पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं जो एडवर्टीजमेंट का नंबर है वो है 1 परीक्षा प्रधान प्रवेशिका विद्यालय संस्कृत शिक्षा EP1 2021-22। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल भर्ती 83 बताई गई है, भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन खाली आमंत्रित किए जाते हैं, तो आप ऑफलाइन इसका कोई प्रोसेस नहीं है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं 83 पोस्ट है। अब ये जनरल कैटेगरी में देखिए समान के लिए 21 है, समान महिला के लिए 6 है, विधवा के लिए 2 है और इसी तरह से सारे ऑप्शंस दिए हैं। SC में भी देख सकते हैं, ST में भी देख सकते हैं, OBC, MBC और EWL। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं एक बार अप्लाई करने से पहले आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख लेंगे, क्योंकि किसी किसी में कोई वैकेंसी 0 है, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया और आपकी फ़ीस कट गई तो आपका ये एप्लीकेशन बेकार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो शॉर्ट्स फॉर्म दिए हैं आप देख सकते हैं, कुछ LB, LVH, इसके जो फुल फॉर्म है फुल एब्रीविएशंस हैं वो आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं। ये डिसेबिलिटी कास्ट और OBC ST के लिए बताए गए। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, बाकी आपको खुद पढ़ना है कि आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है, देखिए सेकंड क्लास इन शास्त्री बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस आर्ट ग्रुप हैविंग 48% मार्क्स, तो मिनिमम 48% मार्क्स चाहिए जो भी इसमें अप्लाई कर रहा हो। एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री और द डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकग्नाइज, मिनिमम देखिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन स्कूल, तो आप जो भी अप्लाई कर रहा है उसको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्कूल से पढ़ाने का। उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान, तो ये भी देखिए एक कंपलसरी तो नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये बताया है आपको देवनागरी जो एक स्क्रिप्ट होती है जो कि हिंदी टाइपिंग के लिए यूज़ होती है आपके सिस्टम में, अगर आपने विंडोज़ में इस्तेमाल करा होगा तो आपको पता होगा देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बताया है कि जो पास हो चुका है वो भी अप्लाई कर सकता है या जो पास होने वाला है वो भी अप्लाई कर सकता है, बस उसको अपने जो परीक्षा सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको सबूत के तौर पे देखिए लिखा है कि देना होगा। दूसरे ऑप्शन में बताया है जो आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 साल का ऊपर उससे कम नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप अप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स देखिए L14 है, ये नोट कर सकते हैं राज्य सरकार नियमानुसार। उसके बाद दिनांक यहाँ आयु सीमा बताई है कि जो इसमें अप्लाई करे वो 1/7/2022 को न्यूनतम 21 साल का होना चाहिए और अधिकतम 40 साल का, तो इस डेट को ना आप इससे कम होना चाहिए 21 साल से और ना 40 साल से ज़्यादा होने चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अब यहाँ कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया कितना रिलैक्सेशन है, लिख लिखा अधिकतम आयु दे छूट, तो ये आपकी जो कैटेगरी है आप उस हिसाब से पढ़ लेंगे किसमें कितनी छूट आपको मिल रही है।
तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ बताया गया है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा जिसको ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे परीक्षा के बारे में, तिथि के बारे में, किस दिन होना है ये आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे बताया है कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, ये मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट के बारे में बताया गया है, ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की तिथि और यहाँ पे निर्धारित शुल्क 300 रुपये बताए हैं। लेकिन ये जो शुल्क है ये अप एंड डाउन हो सकता है कैटेगरी के हिसाब से, तो जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना शुल्क पे करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो श्रेणी है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग 350 रुपये है, राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनके 250 रुपये है और जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 150 रुपये का पे है। तो यहाँ कोई भी जाति से हो कुछ ना कुछ पे करना ही है। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा हो गया, ये स्कीम है, ये सिलेबस है, आपके किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये बताया है, टोटल मार्क्स कितना है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। उसके बाद जनरल पेपर अवेयरनेस होगा जो सेकंड सब्जेक्ट है और उसके बाद यहाँ टोटलिंग आपको बता दी गई। तो ये एक बार आप पूरा पढ़ लेंगे। अब मैं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है ये आपको बता देता हूँ। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप वापस से वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं RPSC ऑनलाइन ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो पहला ऑप्शन आपके सामने खुलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से पेज आएगा, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ न्यू एप्लीकेशन पोर्टल का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये दूसरे पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ से कोई भी वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो आप कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करें राजस्थान में, आपको यहीं पर आना होता है। अब यहाँ पर आपको एक SSO ID क्रिएट करनी होगी, उसका पासवर्ड क्रिएट करना होता है, उसके बाद आप यहाँ कैप्चा एंटर करके लॉग इन करते हैं। क्रिएट करने के लिए SSO ID आप यहाँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटीजन का है, उद्योग का है, एम्प्लॉय का है। तो आप एक नॉर्मल सिटीजन है तो आप यहाँ सिटीजन पे आप क्लिक रहने देंगे, पहला यही क्लिक रहता है। उसके बाद आप जन आधार से भी अप्लाई कर सकते हैं क्लिक करके, अगर आपका अकाउंट है। अगर आपके पास भामाश ID है तो आप उससे भी लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक है तो आप उससे भी यहाँ क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है जीमेल का। तो यहाँ सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपके लिए रहेगा वो ये गूगल जीमेल का रहेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको पेरेंट Gmail ID का इस्तेमाल करना है, चाइल्ड Gmail ID का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आप सोचेंगे पेरेंट Gmail ID और चाइल्ड Gmail ID क्या होता है। तो जब आप एक Gmail ID क्रिएट करते हैं और उसमें ऑथेंटिकेशन के लिए आप कोई दूसरी Gmail ID का इस्तेमाल करते हैं तो जिसका इस्तेमाल करते हैं वो पेरेंट ID हो जाती है और जो नई Gmail ID बनाते हैं वो फिर आपकी चाइल्ड ID होती है। तो यहाँ पे आपको पेरेंट ID का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने देखिए इस तरह से स्क्रीन आएगी। तो आपकी जो Gmail ID है आपको शो हो रही होगी, नहीं है तो आप यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। तो आपका जो भी अकाउंट है आप यहाँ पे डालेंगे या फिर अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये मेरी Email ID यहाँ मेंशन है। तो यहाँ पे आप जो भी Email ID सेलेक्ट करना है करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट मैनेज बाय फैमिली लिंक्स आर नॉट अलाउड करके आ गया। तो ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए अपनी चाइल्ड ID से लॉगिन करा है। अगर आप भी अपनी चाइल्ड ID से लॉगिन करेंगे तो इसी तरीके से आपको भी नोटिफिकेशन आएगा। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो पेरेंट ID से आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यूज़ अनदर अकाउंट करेंगे और जो आपकी पेरेंट ID है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो देखिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ फिर से नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे आप साइन अप हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइन अप हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एरर नहीं आई चाइल्ड ID की और ये आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे जो आपकी Gmail ID के फर्स्ट @ से पहले करेक्टर होंगे वो आपको इस तरह से हाईलाइट हो जाएंगे, ग्रीन कलर से शो हो जाएंगे, यही आपकी SSO ID बन जाएगी। लिखा है डिजिटली आइडेंटिटी SSO ID और यूजर नेम। अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, उस पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे, अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे और Email ID आपकी यहाँ आ रही होती है। तो बस अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करके यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा जिसपे बताया गया है कि आप एक बार लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड को चेंज कर लेंगे। तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपकी जो SSO ID बनी है आप वो डालेंगे और जो नया पासवर्ड बनाया है उसको डाल के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। करेंगे तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं सारी एप्लीकेशन आ जाएगी, राजस्थान की जितनी भी सर्विसेज हैं, वेबसाइट्स हैं, ऐप हैं, वो सारा आपको एक ही जगह से एक्सेस करना होता है। तो ये चीज़ अच्छी है। तो यहाँ पे अब जैसे आपको अप्लाई करने के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना होगा। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ पोर्टल लिख देंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली पोर्टल करके ये ऑप्शन आ जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। यहाँ पे आपको और पोर्टल के ऑप्शंस मिलेंगे लेकिन आपको ये वाले पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज और जो भी ऑप्शंस है रिक्रूटमेंट के वो आपको दिख जाएंगे। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, ये डैशबोर्ड पे रिक्रूटमेंट डॉट राजस्थान के मूव हो जाता है, ये देख सकते हैं। अब ये सारी पोस्ट हैं जिसके लिए अप्लाई करेंगे वो ये है हेडमास्टर परीक्षा स्कूल, इससे पहले सब इंस्पेक्टर और कॉलेज की जो चल रही थी उसमें भी अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जब आप अप्लाई कर लेंगे तो यहीं पे आके अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। बैक आपको सारे ऑप्शंस चाहिए तो यहीं पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी रिक्रूटमेंट करेंगे यहाँ माई रिक्रूटमेंट में कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन यहाँ दिखेगी, नोटिफिकेशंस अगर आपकी एप्लीकेशंस के बिहाफ से कुछ होंगे तो यहाँ आपको दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो ईमेल आईडी है वो यहाँ लिख के आ रही होगी, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल को, और कोई ग्रेवियंस कंप्लेन है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ ऑप्शन है हेडमास्टर परीक्षा स्कूल का, तो चलिए हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं बिना प्रोफाइल अपडेट के यहाँ अप्लाई होगा कि नहीं। क्लिक करते ही आपके सामने देखिए टैब आ जाएगा, जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं उस हिसाब से यहाँ पे टैब्स आता है। तो यहाँ पे हेडमास्टर परीक्षा का स्कूल का आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होगी, जैसे देख सकते हैं बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लोजर। तो यहाँ पे क्या क्या भरना है ये मैं बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो अप्लाई कर रहा है उसका पूरा नाम लिखेंगे, जो उसके फादर का नाम है पूरा नाम लिखेंगे, जो उसकी मदर का नाम है पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ आप टाइटल नहीं लगाएंगे, मिस, मिस्टर, डॉक्टर या इंजीनियर। उसके बाद जो अप्लाई कर रहा है वो अपना यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेगा। उसके बाद जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है जो कि अप्लीकेबल होनी चाहिए जो अप्लाई कर रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, वो यहाँ भरेंगे। जो आयु है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, कैटेगरी में बिलोंग करते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप EWS कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते ये आपको बताना होगा। दिव्यांग अगर है तो आप किस टाइप के दिव्यांग हैं, नहीं है तो आप यहाँ नॉट अप्लीकेबल पर टिक कर देंगे। जब यहाँ पे आप कोई श्रेणी सेलेक्ट करते दिव्यांग की तो ये और ये बटन आपको अप्लीकेबल होता फिल करना होता, लेकिन यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर दिया इसलिए ये तीनों फील्ड्स नीचे की इनअप्लीकेबल हो गई। अब यहाँ पे आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना होगा, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, आपका मैरिटल स्टेटस है, आप जो भी हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है जीवित बालिका का, जबकि ये ऑप्शन आप देख सकते हैं जीवित बालक की संख्या, तो अगर सिंगल है तो ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीवित बालक की संख्या आती है बिफोर, आफ्टर और टोटल। तो यहाँ बिफोर में आप 0 लिखेंगे, उसके बाद बॉर्न में आप 0 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर है, आपको एक मोबाइल नंबर लिखना होगा, आपकी ईमेल आईडी आ रही है जिससे SSO आईडी आप बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर है, आप चाहे तो फिल कर दे, कंपलसरी नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ दे। पासपोर्ट नंबर है, कंपलसरी नहीं है, ब्लैंक छोड़ दे। और यहाँ भामाश आईडी है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं वरना ब्लैंक छोड़। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा क्या आप राजस्थान के अनुसूचित श्रेणी में संबंधित हैं, अगर है तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। अब यहाँ पे आपको पूरा करेस्पोंडेंस एड्रेस अपना फिल करना होगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 कंपलसरी नहीं है, 3 भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका एड्रेस बड़ा है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी राज्य है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, यहाँ ड्रॉपडाउन में ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप उस ड्रॉपडाउन में से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका विलेज है या सिटी का नेम सेम है तो आप दोनों वही डाल देंगे। जो आपका पिन कोड है एंटर करेंगे। फ़ोन नंबर कंपलसरी नहीं है, नज़दीकी पुलिस थाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर भरना चाहे तो भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करते ही आप पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना जो राष्ट्रीय है सेलेक्ट करना होगा, आप कहाँ से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे होम स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ सारी डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये डिपेंड होता है आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है उस हिसाब से खुलते हैं। अगर नहीं खुल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑप्शंस कंपलसरी नहीं है। उसके बाद सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, अगर आप किसी अदर कंट्री से थे और यहाँ पे आप बसे हैं आगे इंडिया में तो आपको यस करना है वरना नो कर देंगे। उसी हिसाब से ये एप्लीकेशन एक्टिव होता है, लेकिन यूपी नो कर दिया इसलिए इनएक्टिव है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप यस करेंगे वरना नो कर देंगे। यस करेंगे तो आपको सर्विस का स्टेटस बताना होता है। उसके बाद आप स्पोर्ट्समैन हैं तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ स्पोर्ट्समैन, तो सारी चीज़ें यहाँ पे यस और नो पे डिपेंड है कि आपको क्या भरना है आगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या हैं अंडरटेकिंग एम्प्लॉय तो आप यस करेंगे। NCC कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। एक्स प्रिजनर थे तो आप यस करेंगे वरना नो कर देंगे। उसके बाद अगर प्रिजनर थे तो आपको डेट बतानी होगी। प्रिजनर मुजरिम होता है जो कि कैदी होता है जो किसी जेल में बंद हो। उसके बाद एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर थे तो आप यस करेंगे वरना नो कर देंगे। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम पूछी जा रही है कि लेस देन 250 लाख है या ज़्यादा है, तो आपको यहाँ बताना होगा आपकी फैमिली इनकम क्या है। तो अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 250 लाख है तो आप यहाँ यस करेंगे वरना नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ एडिशनल कैटेगरी शेयरी है, आप इसमें से अगर किसी में है मिनिस्ट्री एम्प्लॉय, नॉन रजिस्टर्ड एम्प्लॉय, पंचायत
या इसमें से जो भी आपका एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, वरना यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करते ही देखिए आप यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे मूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको बतानी है, अपना रोल नंबर बताना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन टाइप, परसेंटेज, सीजीपीए जो भी आपका सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ परसेंटेज मेंशन करनी है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पहला स्टार्टिंग और फिर एंडिंग एक्सपीरियंस, अगर आपने एक ही एक्सपीरियंस है तो आपको जितना भी एक्सपीरियंस है आप एक बार में मेंशन कर देंगे, लेकिन अलग अलग जॉब्स हैं तो अलग अलग बार बार आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जब आप फर्स्ट और एंडिंग डेट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। उसके बाद कहाँ पे आपने काम करा है एम्प्लॉयर ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको टाइप बताना है कि रेगुलर थे, परमानेंट थे। पे स्केल सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको पे स्केल और पे ग्रेड के बारे में नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च कर लेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज़ और डेजिग्नेशन आपको बताना होगा। बताने के बाद देखिए ये ऑप्शन है लेकिन ये इनकैप्लीकेबल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ ये नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, प्लीज़ टिक द चेकबॉक्स टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर चेकबॉक्स था, ये इसको मैं बताना भूल गया था, इसको ये टिक करने के लिए बता रहा है। इन केस ऑफ एनी डिसिप्लिनरी एंट्रिंग क्वालिफिकेशन डेटा विल बी इंफॉर्मेशन डेटा नॉट अवेलेबल। क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड में कोई ऐसी डेटा जो आपने मेंशन नहीं करा या करना भूल गए थे तो उसको बाद में आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ फिर से आएंगे, तब भी ये क्लिकेबल नहीं हो रहा, तो यहाँ सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, आपको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे ये मूव हो जा रहा है। अब यहाँ पे आप लास्ट स्टेप पे आ गए, आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज बताया है जो फोटो का 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइज है वो 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी होना चाहिए। तो यहाँ चलिए फोटो को अपलोड करते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने आपका फोल्डर खुल जाएगा, जहाँ भी आपने फाइल बना के रखी है, अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स को आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह से ये अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर के लिए क्लिक करेंगे, सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगी जहाँ भी आपने बना के रखा है। तो ये देखिए सिग्नेचर भी आ गया है। दोनों चीज़ों को मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। तो यहाँ बॉडी मार्क्स के बारे में पूछा, अगर आपके शरीर पे कोई बॉडी मार्क्स है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, वरना एनए लिख देंगे। वैसे यहाँ एस्टिक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। अब यहाँ लास्ट स्टेप नेक्स्ट का है, आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से लोडिंग होगी, थोड़ा सा आपको रुकना होगा। अब ये देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन की प्रीव्यू आ जाएगी। अब ये पूरी प्रीव्यू के बाद आपको यहाँ पे कंसर्न देना है, डिक्लेरेशन देना है, और यहाँ पे जो फी स्टेटस है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉट सबमिटेड है भी, और यहाँ पे फी का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन दे दिया, अब ये पे फी का ऑप्शन है। अगर आप में लगता है कोई भी चीज़ आपने गलत अपडेट कर दी है तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिलता है, आप फिर से क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं और वापस नेक्स्ट करके यहाँ तक आ सकते हैं। अब यहाँ पे फी का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू पे फी, आप यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए इस तरह से फिर से लोडिंग होगी, आपका पूरा प्रीव्यू दिखाया जाएगा और यहाँ पे फी का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत अप एंड डिफरेंस है, ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया था। देखिए यहाँ 350 रुपये का पे है, ये पे फी का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डू यू वॉन्ट टू पे, क्लिक ओके का ऑप्शन है, आप यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज एंड क्लिक बैक बटन का ऑप्शन है, आप यहाँ फिर से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे 350 में 30 रुपये एक्स्ट्रा लगने लग गए हैं, GST टैक्स हर चीज़ इंक्लूड करके। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग एग्रीगेटर के थ्रू या फिर UPI के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ एग्रीगेटर क्या है, एग्रीगेटर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे एयरपे, ऑल कार्ड्स, नेट वॉलेट, UPI, और या फिर इसी में ऑल कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, या फिर इंडस गेटवे का है और कोटक का है। तो अगर आपके पास ऑल कार्ड, आपको मान लीजिए UPI नहीं है या नेट बैंकिंग नहीं है, तो इस एग्रीगेटर ऑप्शन पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप पहला जो ऑप्शन है आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए ये ऑप्शंस खुल के आ जाता है, कुछ यहाँ पे चार्जेस हैं एक्स्ट्रा जो जुड़ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कन्वीनियंस चार्जेस के बारे में बताया है कि 2000 बिलो से क्या है और 2000 अबव के ऊपर क्या है। आपका पेमेंट 3080 रुपये है, 380 रुपये, तो इसमें बिलो 2000 में आएगा। यहाँ पे आप पेनाओ पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ रुकना होगा, आप देख सकते हैं ऊपर लोडिंग हो रही है। यहाँ पे आप पेज को अब रिफ्रेश या रीलोड नहीं करेंगे। जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2000 से बिलो 0% ट्रांजेक्शन अमाउंट है, 2000 से अब में 1% ट्रांजेक्शन अमाउंट है। क्रेडिट कार्ड अगर लगाएंगे तो 0.8% ट्रांजेक्शन अमाउंट देना होगा। HDFC का 6 रुपये आपको अगले देने होंगे। अगर वॉलेट लगाएंगे तो जियो का वॉलेट में 0.49% आपको देना होगा। अदर वॉलेट्स के लिए 1.5 देने होंगे। इंटरनेशनल कार्ड अगर लगाएंगे तो 2.5% आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो यही चीज़ नीचे समझाई गई है, तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना है। अगर कैंसिल हो जाता है तो आप दोबारा से आके इस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए आपके सामने कार्ड्स के ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ आते आते क्रेडिट कार्ड के रुपये में 3 रुपये और बढ़ गए हैं।
डेबिट कार्ड में भी तीन इंक्लूड है, नेट बैंकिंग में भी तीन इंक्लूड है, यूपीआई में कोई इंक्लूड नहीं। अगर यूपीआई करेंगे तो आपको सिर्फ 380 देने होंगे, 3 रुपये बचेंगे। उसके बाद वॉलेट में देखिए 6 रुपये बढ़ गए हैं, अमेजोन पे में भी 6 रुपये बढ़ गए हैं और फोन पे में भी 6 बढ़ गए। तो यहाँ पे कुल मिला के कुछ ना कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ जा रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन आपके पास वैसे डेबिट कार्ड का ही है, आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करिए। घर में किसी का एटीएम है, आप एटीएम कार्ड नंबर जिसके नाम पे एटीएम इशू है उसका नाम या एक्सपायरी डेट लिखेंगे, सीवीवी लिखेंगे, यहाँ सेलेक्ट करके पे कर देंगे। क्योंकि ये एज अ डेमो वीडियो है तो मैं यहाँ पे आपको इतना बड़ा पेमेंट करके नहीं दिखा पाऊँगा, आई होप ये चीज़ आप समझ सकते हैं। लेकिन पूरा ऑनलाइन प्रोसेस जो होना है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं वापस आपको ले जाता हूँ पोर्टल के ऊपर। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कहाँ दिखेगी, अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसको भी आप बाद में अप्लाई करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए वापस से यहीं आ गए, मैंने पेमेंट नहीं करा था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन थी वो यहाँ पे मेरी शो हो रही है। आप जितनी भी अप्लाई करेंगे वैकेंसीज रिक्रूटमेंट के लिए वो यहाँ शो हो जाएगी, और जो ऑप्शन यहाँ पे आता है अप्लाई करने का वो यहाँ से फिर हट जाएगा। और आपने जो भी डिटेल्स अपडेट करी हैं, जो भी प्रोफाइल में अभी अपडेट करा वो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब ये माय रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले अप्लाइड रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ पे आपने जो अप्लाई करा है उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए भी आप यहाँ से क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल आ जाएगी, या फिर यहाँ पे क्लिक करके तो आपका पेमेंट अगर पेंडिंग में है तो फिर से यहाँ अप्लाई नाउ करके आप उसको कर सकते हैं। जितने भी रिक्रूटमेंट्स चल रहे होते हैं यहाँ ऑल रिक्रूटमेंट पे करेंगे तो देखिए यहाँ सारे रिक्रूटमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं होता है तो यहाँ देखिए क्लोज लिख के आ रहा है। आपको ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको लेटेस्ट ईयर डालना होगा तो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट ईयर की जो अवेलेबल जॉब्स होंगी उनके आगे अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा। इस तरीके से जो क्लोज हो चुकी हैं वो क्लोज हो जाएंगी, और देखिए एंडिंग डेट आपको मिल जाएगी कि जो अवेलेबल हैं अभी उनकी एंडिंग डेट क्या है। तो यहाँ से आप एंडिंग डेट देख लेंगे, और फिर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी अप्लाई करेंगे सबका पेमेंट अलग अलग होगा, और जो आप अप्लाइड कर देंगे वो अप्लाइड रिक्रूटमेंट के अंदर यहाँ आपको दिखने लग जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन को एडिट करने के लिए आप एडिट एप्लीकेशन में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कोई एडिटेबल के लिए एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए मैंने पेमेंट नहीं करा, इसलिए यहाँ पे अभी नहीं आया। तो डिपेंड होता है कि जो भी रिक्रूटमेंट है वो उसका फॉर्म पेमेंट करने के बाद एडिटेबल है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी एडमिट कार्ड रिलीज होंगे आपके रिक्रूटमेंट के हिसाब से जो भी आपने अप्लाई करा है वो यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस है, अगर कोई क्वेश्चन पुट होता है तो यहाँ पे आएगा, फाइल कोई क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे आएगा, ये ग्रेवियंस का हिस्सा है आपका। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। वैसे एडमिट कार्ड आप डायरेक्टली गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर देंगे कंप्लीट कर देंगे एडमिट कार्ड आपके नाम से भी से आपकी आईडी के भी से रिलीज होगा तो यहाँ आपको मिल जाता है। चाहे तो बैक टू एसएसओ कर सकते हैं या फिर होम पे भी जा सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आप वापस से यहाँ पे आ जाएंगे, और बैक टू एसएसओ करेंगे तो जो आपका पोर्टल है आप वहीं पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिख। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने अभी डिटेल्स यहाँ पे फॉर्म में अप्लाई करी थी वो सब चीज़ें देखिए यहाँ पे आने लग गई, सिग्नेचर और फोटो आ गया। तो यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ अपडेट प्रोफाइल कर ले, जिससे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो और फ्यूचर में किसी रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा फॉर्म एप्लीकेशन में नहीं भरना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल कंप्लीशन यहाँ 100% होगी, तो ज़्यादातर चीज़ें वहीं से उठा ली जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो पेमेंट कैंसिल कर दिया था क्योंकि आपको सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना था एज अ डेमो वीडियो, लेकिन आपका अगर पेमेंट कैंसिल हो जाता है और आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपको वापस यहीं आना होगा, और यहाँ से अप्लाई नाउ का बटन है, आप यहाँ फिर से क्लिक करेंगे। अगर आपका नेट चला जाता है या सिस्टम बंद हो जाता है और आप पेमेंट करना चाहते थे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, और ये नेक्स्ट का बटन है, आपको नेक्स्ट करते करते फिर लास्ट तक जाना होगा। देखिए इस तरह से पॉपअप आएगा, तो आपको नेक्स्ट करते हुए लास्ट तक जाना होगा और उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना। और अगर आप इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं या फिर इनमें से कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना होगा। इससे रिलेटेड देखिए इस तरह से डिटेल्स ओपन हो जाती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई होती हैं, जैसे लास्ट डेट, पोस्ट के बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर आपको फोटो सिग्नेचर किस फॉर्मेट में बनानी है, किस साइज़ में बनानी है, तो वो यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी, हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म इशू नंबर भी आपको मिल जाता है। तो ये इसी तरह से ये जो आपने अप्लाई करा है उस पर भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी भी डिटेल्स ओपन हो जाती है इस तरीके से, नंबर ऑफ पोस्ट, लास्ट डेट, और उसके बाद सिग्नेचर की डिटेल्स, और उसके बाद यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर और इशू, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई नाउ पे करेंगे तो आप इस पोस्ट को, एप्लीकेशन को डिटेल्स भरने के लिए अप्लाई करने लगे। तो ये पूरा प्रोसेस था ऑनलाइन कैसे आप राजस्थान में किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करें आपको इसी तरह से पहले एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन करना होता है। एसएसओ आईडी बनाने के बाद आपको इसी पोर्टल में आना होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स हैं यहाँ दिखते हैं, आप उस पर क्लिक करके इसी तरह से अप्लाई करेंगे। सबका फॉर्मेट सेम है,
तो आप अगर किसी और के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इसी वीडियो को देख के अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको एक बार ये वीडियो देखनी। तो ये पूरा प्रोसेस था, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।